आज हम आए हैं किनारी बाज़ार चांदनी चौक में दिखाने आपको यहाँ का एक बेहतरीन जायका। तिराहे पर है एक बहुत ही मशहूर दुकान जंग बहादुर कचौड़ी वाले। आइए दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं भैया से क्या है खास। और ये इसलिए क्योंकि इसके बिना वो कचौड़ी खाई नहीं जाएगी। तो भाई हम आ गए किनारी बाज़ार तिराहे पर जंग बहादुर कचौड़ी वालों के पास। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लाल बाबू है। लाल बाबू जी, क्या खास है आपकी कचौड़ी में? चांदनी चौक में आने वाला हर कोई आपको इतना पसंद करता है, क्या खास है? स्वाद और टेस्ट की बात होती है जी, जिसको मुंह लग जाता है। यहाँ की चालू है हमारी चटनी होती है, उसकी वजह से लोग यहाँ आते हैं, जो दिल्ली में यही मिलती है और कहीं नहीं मिल पाती जी। तो भाई ये देखिए, ये है असली स्वाद। आलू की सब्जी यहाँ पे भैया की रखी हुई है और साथ में भैया वो कचालू की, ये कचालू की चटनी होती है, कचालू की चटनी जो दिल्ली में सिर्फ बाबूलाल जी के यहाँ पे मिलती है। और ये देखिए भाई, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, ये रणवीर बरार साहब लगे हुए हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आ चुके हैं और इनका स्वाद चख चुके हैं, अप्रिशिएट कर चुके हैं काम को। ये रहा वो कचौड़ियों का भंडार। भैया तोड़ के देते हैं? लोग तोड़ के भी खाते हैं, साबुत भी खाते हैं। कचौड़ी तोड़ के भी है और साबुत भी है। भैया लगाइए एक प्लेट हमारी फोड़ के। और भैया कचौड़ी में कुछ भरा हुआ होता है या सादी कचौड़ी है? दाल होता है, दाल। दाल भरी हुई है इसके अंदर, दाल की पिट्ठी भरी हुई है। एक कचौड़ी लगाइए भैया। ये आई कचौड़ी, नहला दिया इसको भैया ने आलू की सब्जी में और ऊपर से डाल दी ये कचालू की चटनी। ये कतरन है हरी मिर्च, धनिया और अदरक की। भैया कितने रुपए की प्लेट है? 30 रुपए की हाफ प्लेट है, फुल प्लेट 60 रुपए। फुल प्लेट में दो कचौड़ी हैं जी। और भाई ये मैंने हाफ प्लेट ली है भैया अभी जी, जी। ये हाफ प्लेट भी बहुत बड़ा पोर्शन है, आप पहले हाफ प्लेट ही ट्राई करें। बहुत ज़्यादा भूख है तो दो प्लेट ले लीजिए, खा के बताते हैं क्या है जायका। भाई ये है जंग बहादुर की मशहूर कचौड़ी। देखिए सब्जी में पूरी नहला दी है, ऊपर से हरी मिर्च भी डाली है, कचालू की चटनी है। भाई मुँह में पानी आ रहा है, हैज़र बाइट। वाह, हींग का बहुत ही ज़बरदस्त छौंक लगा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है हींग का, बहुत सारे मसाले हैं और कचौड़ी ना एकदम वाव है। बट मसाला थोड़ा अपर साइड पे है, तो अगर आप कम मसाला खाते हैं तो भैया को पहले ही बता दें, अदरवाइज़ ये स्पाइसी होने वाला है। भाई इसे बीट करने के लिए आई हैव टू ट्राई इट आउट। भैया खाली हमने कचौड़ी, मुँह ना स्वाद भर गया है पूरा, मसाले इतने तेज़ हैं। तो अगर हमें मसाले कम कराने हो तो वो भी हो जाएंगे? चटनी नहीं डलवाई है तो मसाला कम हो जाएगा। वो चटनी है जो बहुत तीखी है जी। भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ही स्वाद है। और अगर हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे आना हो तो एक बार लोकेशन प्लीज अपनी बता दीजिए। शॉप नंबर 1104 पराठे वाले गली मालीवाड़ा चांदनी चौक। तो भाई चांदनी चौक में आ जाइए जंग बहादुर कचौड़ी वालों के पास और चखिए एक बेहतरीन लेकिन स्पाइसी जायका। नमस्कार मैम, मैंने देखा बहुत जायका लेके बहुत स्वाद से ये कचौड़ी खा रहे हैं, तो कैसा है स्वाद? स्वाद बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मैम आप काफ़ी टाइम से खा रहे हैं यहाँ पे? यस, हो गए कम से कम 10-12 साल से। 10-12 साल से यहीं की कचौड़ी। तो इनकी कचौड़ी का स्वाद कोई और मैच कर पाया है? नहीं मैच कर पाया। भाई बहुत काम के यहीं आए, यहीं खाते हैं। तो चांदनी चौक आना हो तो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि ये जरूर खाएं? ये जरूर खाएं कचौड़ी जंग बहादुर जी, जंग बहादुर की कचौड़ी। भाई मैम की स्ट्रांग रिकमेंडेशन है, अगर आप स्पाइसेस को हैंडल कर सकते हैं तो जंग बहादुर की कचौड़ी जरूर खाएं। एंजॉय।